पुनः एक बार संपूर्ण जनमानस को नमन कर रहा हूं, आप सभी का हृदय से स्वागत कर रहा हूं। आइए चलाओ, जब भी कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है तो हमारे सनातन धर्म की मान्यता है चंद पंक्तियां देवादिदेव महादेव के सुपुत्र बाबा श्री गणेश के चरणों में, तदोपरांत चंद पंक्तियां आराध्या माता सरस्वती के चरणों में, और फिर संपूर्ण रात्रि आप सुनते हैं सवाल जवाब जवाब सवाल। आइए चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं भगवान श्री गणेश के चरणों में। गणेश को वहां पर पांव नहीं लागत है कभी पाप और कलेश को। तो सबसे पहले भगवान गणेश को बुलाते हैं, हे विघ्नराज आप आमें और निर्विघ्न इस कार्य को पूर्ण करें। हमारे सभी भाइयों के माध्यम से ये सुंदर सा आयोजन आयोजित हो रहा है, आप आकर के इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाएं। आइए चलाओ चंद पंक्तियां लेकर के आराध्या माता सरस्वती के चरणों में भक्त जाता है और कहता है माँ से, ये सारी दुनिया माँ से कुछ न कुछ मांग रही है, मांग शंभू हलचल भी रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मांगने की आदत जाती नहीं और तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। लेकिन दुनिया कुछ मांग रही है, शंभू हलचल कुछ मांग रहा है, जरा सुनेंगे आप सभी भाई हम क्या मांग रहे हैं। अरे मुझको बना हो रहा है। आज हमारे मध्य में वो लोग उपस्थित हैं जिनके सामने मैं अकिंचन हूं, लेस मात्र कुछ नहीं हूं, ये आप मान लीजिए। ज्यादा बात तो नहीं कर रहा है शंभू हलचल, जो आयोजन इस प्रांगण में आयोजित हो रहा है, जो कलाकार बंधु आपके मंच पर उपस्थित हैं, आप अगर 10 लाख रुपए खर्च कर दें तब भी इतने लोग नहीं आ पाए। क्या बात है, नहीं आ सकते। कारण ये है, ये महान विभूतियां हैं कीर्तन दुनिया की, जिन्होंने हम जैसे कलाकारों को उत्पन्न कर। आइए मैं सभी को नमन करते हुए चल रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना ले रहा हूँ। चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं माँ के चरणों में, चूंकि ये माँ सदा सदा चार दिया करती है, माँ ममता और प्रबल प्यार दिया करती है,
माँ की दया से मिलता है प्रीति व स्नेह का उपहार। एक माँ ही तो है जो संस्कृति आचरण और संस्कार दिया करती है। हो भैया हो दादी अज्ञानियों को ज्ञान दे, स्वरदान दे, वरदान दे, स्वरदान दे, वरदान दे, वरदान दे। और ये 51 रुपए के इसने हमारे हृदयांश भैया चिड़िया घर से पधारे हैं आप, आपकी ओर से ये 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। आपका नाम मैं भूल गया हूँ, क्षमा करेंगे आप। राकेश भैया बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है राकेश भैया, आपके माध्यम से ये बहुमूल्य 51 रुपए किसने आया है। आइए चलाओ चंद पंक्तियां प्रस्तुत है माँ के चरणों में, कहना है वहां से। अरे समा जाऊ मैं स्वर में, और हर पल रहूं मैं दादी आपकी नजर में। हो भैया हो दादी लालों पे अपने ध्यान दे, स्वरदान दे, वरदान दे, सभी नवयुवक साथी सुने। कीर्तन शाब्दिक आनंद है, कीर्तन में भोलेनाथ जटा रखा के नहीं आया करते, अरे वाह, ना हनुमान जी गदा लेके आते हैं, लेकिन ये आज आपका ऐसा आयोजन है कि इसमें भोलेनाथ और गदाधारी हनुमान दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कीर्तन शाब्दिक आनंद है, शब्दों की मारा मारी है। दो पंक्तियां दे रहा हूं, जरा सुनेंगे। धूप ओट आई तो नहीं, आखिर माँ है क्या, क्या है? माँ वर्णमाला का एक अक्षर है, पा फा पा भा मा। चंद्र की बिंदी आ की मात्रा लग जाती है तो माँ एक शब्द हो जाता है। व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है माँ, व्यक्ति की प्रथम गुरु है माँ। लोग कहते हैं गुरु पूर्णिमा, लेकिन अगर आप संधि विच्छेद कर दें तो गुरु पूर्ण माँ। धूप में छाओ की ओट आई तो नहीं, ऐ मेरे लाल तेरे सीने में कहीं खोट आई तो नहीं। और जिस दम माँ के दिल को लेकर गिर पड़ा माँ का लाल, तो उस दिल से आवाज आई, मेरे बच्चे तेरे कहीं चोट आई तो नहीं। आपकी तालियों के लिए धन्यवाद है। और अगर ऐसे पंक्तियों पर तालियां मिलती रहेंगी कलाकारों को, तो बाकी विश्वास रखिए बहुत कुछ सुना जाएंगे आपको। कहना है माँ से, अरे चलू मैं तुम्हारा सभी वरिष्ठ बैठे हैं, पप्पू भैया, लालमन भैया, पंकज भैया, दादा राम सुरेश जी, दादा माता दिन विश्वकर्मा जी, मैं नमन कर रहा हूं आप लोगों को। अभी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ प्रदेश में, उसमें एक लाइन चली
नवयुवक कलाकारों का उत्थान होना चाहिए, इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए, कोई गुरेज नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग कलाकारों को किस ओर जाना चाहिए, जरा थोड़ा सा संदेश दे लो। समस्या ये है, और कुछ सत्यता मान लीजिए इसमें हम आपकी ही कुछ कमियां रही हैं जो ये स्थितियां पैदा हो गई। नहीं, विश्वास रखिए कलाकारों के यहाँ कमेटियां पड़ी रहती थी। क्या बात? लेकिन क्या कारण है कलाकार कमेटियों को फोन कर रहा है, इस पर गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा गौर करना पड़ेगा। और ये 501 रुपए का इसने हमारे देवेंद्र भैया की अड़ावल टीम की ओर से बहुमूल्य 501 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है हमारे राजन तिवारी जी, बिशन यादव जी और राम जी मिश्रा जी, आप लोगों की ओर से इसने आया है, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और हमारे छोटे भाई योगेंद्र वाजपेयी, रामू वाजपेयी जी, मंडल उपाध्यक्ष यशोदा नगर, बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानी रामू भैया, विधानसभा उपाध्यक्ष जनसेवक अविनाश द्विवेदी जी, आप पार्टी आपकी ओर से बहुमूल्य 101 रुपए आए हैं, सभी भाइयों को साधुवाद है। और इसी गीत के बाद हमारे अभिषेक पांडे उर्फ मोनू पांडे जी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत होना है, जरूर होगा। मोनू भैया बस थोड़ा समय हमको दें, आप कहना है। अरे चलू मैं तुम्हारा दादा उर्मिल जी, आप जाएंगे नहीं क्योंकि अभी स्वागत की एक श्रृंखला और होनी है, आप क्षमा करेंगे, आप दिखाई नहीं पड़े, मैंने आवाज लगाई, आपकी उपस्थिति हम लोगों को गौरवान्वित कर रही है, हृदय से साधुवाद है, कहना है। अरे चलू मैं तुम्हारे दर पे और इठला उताती तेरी आरती के दीपक की बन जाऊंगा, स्वरदान दे वरदान दे, स्वरदान दे वरदान दे, स्वरदान दे वरदान दे, वरदान दे वरदान दे। बोलिए सच्चे दरबार, क्या बात,
हेलो तो लीजिए अपनी ओर से जब भी कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है तो दौड़कर माता रानी के चरणों में चला जाता है, क्योंकि अगर माँ की कृपा नहीं है तो गाना तो बहुत दूर की बात है, हम बच्चे बोल भी नहीं सकते। इसलिए कहना है सभी भक्तों से निवेदन है कि सुंदर सी व्यवस्था है, आप लोग अपना स्थान सुनिश्चित कर लें और माता भवानी की वंदन गीत हम लोग साज और आवाज से गाएंगे, माता रानी को मनाएंगे। आप लोगों से निवेदन है आप लोग भी हमारे भाव के साथ अपने भाव मिला लें ताकि वो वंदना हमारे और आप सबकी तरफ से हो जाए। तो आइए चल बेटे, सभी भक्तों से निवेदन है, माता रानी ने भगवान भोलेनाथ ने जिनको दो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, दोनों हाथों को उठाकर एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलते शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए चंद पंक्तियां भगवान गणेश के श्री चरणों में चल बड़े, ताकि ये सुंदर सा कार्यक्रम जो आप लोगों ने बनाया है सजाया है इसी में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सुपुत्र बाबा गजानन का आवाहन करते हैं। चल बड़े, आवाज एक बार बना दें, बाकी फिर छोड़ छाड़ लें। हेलो, कहना है कि गणराज तुम्हारी महामहिमा पद पंकज शीश नवाते रहे, जाओ रस रंग करे तिनी विनती, विन विघ्न ही हरि ध्याते रहे, तो नित मंगल मोद मनाते रहे, मोहन के गुण गाते रहे। बार बार प्रणाम है बाबा श्री गणेश जी के चरणों में, सामंडल प्रणाम कर रही हूँ और प्रणाम की श्रृंखला में प्रणाम कर रही हूँ उस शक्ति को जिसने हमको मंच पर बैठना बोलना सिखाया है। कहना है कि गुरुवर मोहिना चाहे लाख जने मिल जाए कि मौसम तुमको लाख है पर तुम सम मोको ना। बार बार प्रणाम कर रही हूँ गुरुवर के चरणों में, गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी खरेदा उत्तर प्रदेश, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। हमारे सम्मानीय दादा द्विवेदी जी बैठे हैं, आपको भी प्रणाम है, सभी को सामूहिक रूप से प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम
श्रृंखला में माता भवानी के चरणों में चलने से पूर्व, क्योंकि मंच पर लाकर खड़ा कर दिया भवानी तूने, लेकिन वास्तव में मैं इस लायक नहीं हूँ। और इस मंच पर पहुंचाने का जो प्रयास रहा हमारे मंच तक, जो लेकर आए हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया, जिन्होंने मान लीजिए कि धूल को फूल बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया है, हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया, जो बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, आपका अथक प्रयास रहा है और आपने तमाम छोटे छोटे कलाकारों को मंच दिए हैं, आपका हृदय से नमन वंदन आशीर्वाद की कामना है। आइए माता रानी के चरणों में सभी भक्त जाते हैं, मैं भी माता रानी के चरणों में चली जाती हूँ और कहती हूँ कि माँ कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो कहना है क्या हालांकि वंदन गीत में धुन बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ धुनिया फिल्मी दुनिया वालों ने ऐसी निकाली हैं जिनको गाने का मन करता है। देवी स्वरूपाएं माताएं बहने वंश छोड़कर जाने लगी, पार्टी बदल ली। अच्छा अच्छा, भोग लगाने जा रहे हैं। आइए तो आइए कहना है माता रानी से कि माता रानी ये विशाल मंच है और यहाँ सुनने वाले तमाम हमारे जो कीर्तन श्रोता हैं वो अपने आप में कलाकार हैं, लेकिन मंच पर खड़ा तो कर दिया भवानी, वास्तव में मैं इस लायक नहीं हूँ। जब नहीं हूँ माता रानी, तो केवल निवेदन इतना है कि माँ मैंने ये सारा कार्यक्रम आपके हवाले कर दिया, आपके चरणों में सौंप दिया। तो कहना मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ, हर काम का परिणाम तुम्हारे नाम करती हूँ, आज तन मन धन सभी तुमको समर्पित कर तो इस नीलम को तेरे नाम पर नीलाम करती हूँ। कहना वहाँ क्या तो गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने, बहुत सुंदर सी धुन कि आ मिल के बाट ले हम
तेरी हमराज हूँ। तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। तो गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज। पांडे जी, बड़ा स्नेह मिलता है जब हम लोग घर जाते हैं। आजीवन इस स्नेह की कामना कर रही हूँ, आदरणीय भाभी को प्रणाम कर रही हूँ। तमाम पुरस्कार मैं बाद में बोल दूंगी। समूह भैया जी, सुनिएगा गीत को। आपने कहा है माता रानी की वंदना आपने भी की, मैं भी कर रही हूँ। और आपने कहा है कि हम कीर्तन गाते नहीं, कीर्तन लड़ते हैं। शंभू भैया जी, शक्ति हमारे साथ है। नहीं बेटे, वो बॉडी के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। शंभू भैया, अगर आप शिव हैं तो शक्ति हमारे साथ है। आदरणीय भाभी जी का आशीर्वाद मिला। आइए सुनिए। सुने कहना है, जब जब कागज में मैंने नाम लिखा, माता रानी को मैं नहीं जानती, आपका पूजन नहीं जानती, केवल माता रानी का नाम जानती हूँ। नाम इतने हैं, सारे नामों को भी नहीं जानती। तो कहना, जब जब कागज में लिखा मैंने माँ का नाम, तो कलम अदब से बोल उठी, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। जब चारों धाम हो गए तो कहना माँ, क्या बेटे? अरे भवानी, इस नीलम में इतनी क्षमता नहीं है कि आपके नाना प्रकार के तीर्थों में जाकर वंदन अभिनंदन करें। तो कहना ना जाना मुझे गुण की खान हूँ, पर कि भली बुरी जैसी भी हूँ माँ, भली बुरी जैसी भी हूँ माँ, तेरी ही संतान हूँ। ना तो मैं विद्वान हूँ, ना ही मैं गुणवान हूँ, ना गुणवान हूँ ना विद्वान हूँ, लेकिन माता रानी आपसे निवेदन है, ये हट कर रही हूँ। क्या बात कि
बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ और इतना विशाल कार्यक्रम है, माता रानी सारी लाज आपके हाथों में। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। तो निवेदन है केवल इतना क्या कि माता रानी ये नीलम केवल अपने लिए नहीं मांग रही है, अपने बड़े भाई शंभू भाई के लिए भी मांग रही है कि आज हम दोनों के लाज आपके हाथों में है, आप दोनों भाई बहनों के कंठ में विराजमान हो जाए। कहना क्या तो कंठेश्वरी कंठ में भर दो, विद्वान हो ना ही मैं गुणवान।
मुझे गोद में आज उठावा, मुझे गोद में आज उठावा, तेरी ही संतान हूँ, तो ना तो मैं विद्वान हूँ ना ही मैं गुणवान। तो मैं विद्वान